गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 3। आई होप यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 6 एंड आवर टॉपिक इज नेशनल सिंबल्स। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल मीन्स क्या होता है, राष्ट्रीय, और सिंबल्स मीन्स क्या होता है, प्रतीक। हम लोग इस लेसन में राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन एंड नो अबाउट व्हाट आर नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स क्या है हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नेशनल सिंबल्स, आवर नेशनल सिंबल्स आर द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ आवर कंट्री। हमारा जो नेशनल सिंबल्स है वो हमारे देश की क्या है, आइडेंटिटी मतलब पहचान है। क्या है हमारे देश की पहचान है। ओके, दे गिव अस ए सेंस ऑफ प्राइड एंड पेट्रियोटिज्म। प्राइड मीन्स क्या होता है, गर्व। प्राइड मीन्स क्या होता है, गर्व। और पेट्रियोटिज्म मीन्स क्या होता है, देश प्रेम या देशभक्ति। ये हमें गर्व और देश प्रेम या देशभक्ति की भावना क्या करते हैं, देते हैं। क्या देते हैं, देश प्रेम और देशभक्ति की भावना देते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेशनल सिंबल्स जो है वो कौन कौन सा होता है। ओके, कौन कौन होता है, नेशनल फ्लैग होता है, नेशनल सॉन्ग होता है, नेशनल एंथम होता है, नेशनल एम्ब्लेम होता है, नेशनल बर्ड होता है, नेशनल एनिमल होता है, नेशनल गेम होता है। ओके, तो सबसे फर्स्ट हमारा हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, नेशनल फ्लैग के बारे में। नेशनल फ्लैग मीन्स क्या होता है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आप लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग के बारे में तो जानते ही होंगे। जानते हैं ना आप लोग, नेशनल फ्लैग जो होता है वो किस कितने कलर का होता है, थ्री कलर, मतलब तीन कलर का होता है। ओके, कितने कलर का होता है, तीन कलर का हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है। सबसे फर्स्ट जो टॉप पे होता है वो कौन सा कलर होता है, शेफ्रॉन होता है। कौन सा कलर होता है, शेफ्रॉन। शेफ्रॉन मीन्स क्या होता है, केसर। शेफ्रॉन मीन्स क्या होता है, केसर या केसरिया। ओके, सबसे फर्स्ट कौन सा कलर होता है हमारा, शेफ्रॉन। ओके, सबसे फर्स्ट शेफ्रॉन। उसके बाद मिडल, बीच में, मिडल में कौन आता है, व्हाइट। मिडल में कौन आता है, व्हाइट। मिडल में क्या होता है, व्हाइट। एंड सबसे नीचे बटम, बटम साइड मतलब नीचे में क्या होता है, तो ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन होता है। ओके, इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेशनल फ्लैग में कितने कलर होते हैं, थ्री कलर होते हैं। कौन कौन, सैफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन। सबसे टॉप सैफ्रॉन, मिड व्हाइट एंड बटम नीचे कौन सा, ग्रीन होता है। कौन सा होता है, नीचे ग्रीन होता है। ओके, और बीच में एक चक्र होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ओके, दी व्हाइट स्ट्रिप इन दी मिडल हैज ए ब्लू व्हील विथ 24 स्पोक। एक व्हाइट स्ट्रिप, जो व्हाइट स्ट्रिप होता है, जो व्हाइट मतलब उजला पट्टी होता है, उसके बीच में मिडल में एक क्या होता है, ब्लू व्हील मतलब ब्लू चक्र होता है, जिसमें 24 स्पोक होते हैं। 24 स्पोक होते हैं ना, ऐसे 24 में पिलिया होती है, ऐसे होती है ना, 24 स्पोक होते हैं। उसमें क्या होते हैं, स्पोक होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द अशोक का चक्र और धर्म चक्र। इसे हम लोग अशोक चक्र या धर्म चक्र भी बोलते हैं, अशोक चक्र भी बोलते हैं और धर्म चक्र भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एक व्हाइट कलर का पट्टी होता है जिसके बीच में ब्लू व्हील होता है, मतलब ब्लू कलर का, नीला कलर का एक चक्र होता है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अशोक चक्र या धर्म चक्र बोलते हैं। इसको भी आप लोग नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, द फ्लैग लेंथ विड्थ रेशियो इन 3:2। जो फ्लैग है उसका लंबाई चौड़ाई 3:2 होता है। फ्लैग का लंबाई चौड़ाई कितना होता है, 3:2 होता है। इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। ओके, जो फ्लैग होता है उसका लंबाई चौड़ाई कितना होता है, 3:2 होता है। कितना होता है, 3:2 होता है। ओके, उसके बाद सैफ्रॉन कलर स्टैंड फॉर कंट्री स्ट्रेंथ एंड कॉरेज। जो हमारा सैफ्रॉन कलर है, केसरिया रंग है, वो किस चीज का प्रतीक है, आप लोगों को पता है। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, शक्ति। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, शक्ति। ओके, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति एंड कॉरेज मीन्स साहस। कॉरेज मीन्स साहस, शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। इसको भी आप लोग याद कीजिएगा कि वो किस चीज का प्रतीक होता है, तो स्ट्रेंथ एंड कॉरेज। स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति और कॉरेज मीन्स साहस, शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। ओके,
ये तो शेफ्रॉन का होगा। अब व्हाइट जो है हमारा मिडिल में, ये किस चीज का प्रतीक है? व्हाइट जो है वो हमारा किस चीज का प्रतीक है? तो ये है पीस का। पीस मीन शांति। ये किस चीज का प्रतीक है? पीस का है। ओके, किस चीज का है? पीस का ये प्रतीक है। ओके, उसके बाद हमारा है ग्रीन। कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन किस चीज का प्रतीक है? तो ये प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि। ओके, प्रोस्पेरिटी मीन समृद्धि का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक है। ओके, और सेफ्रॉन जो है स्ट्रेंथ एंड कॉरेज का, व्हाइट जो है वो पीस का, और ग्रीन जो है वो प्रोस्पेरिटी का। जो अशोक चक्र है ये किस चीज का प्रतीक होता है? ओके, ये किस चीज का प्रतीक होता है? तो अशोक बी अशोक चक्र स्ट्रेंथ फोर ट्रूथ और धर्म, या ट्रूथ मतलब सच्चाई और धर्म का प्रतीक होता है। किस चीज का प्रतीक होता है? ट्रूथ मीन सच्चाई और धर्म का प्रतीक होता है। किस चीज का होता है? ट्रूथ एंड धर्म का। किस चीज का? धर्म का। ओके, तो आप लोग समझ गए कि जो हमारा शेफ्रॉन है वो किस चीज का प्रतीक है, व्हाइट है वो किस चीज का प्रतीक है, एंड जो अशोक चक्र है, धर्म चक्र है, वो किस चीज का प्रतीक है। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेशनल फ्लैग पढ़ लिए हम लोग, धर्म चक्र किसे बोलते हैं, अशोक चक्र किसे बोलते हैं, नेशनल फ्लैग का रेशियो कितना होता है, लंबाई चौड़ाई रेशियो कितना होता है। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेशनल एंथम। नेशनल एंथम, नेशनल एंथम मीन्स क्या होता है? नेशनल एंथम, ओके, नेशनल एंथम मीन्स क्या होता है? राष्ट्रगान। क्या होता है नेशनल एंथम मीन्स? राष्ट्रगान। हमारा राष्ट्रगान नेशनल एंथम क्या है आप लोगों को पता है? पता है, आपके स्कूल में डेली सुबह में मॉर्निंग असेंबली में आप लोग नेशनल एंथम करते हैं, करते हैं ना सब लोग, सारे स्टूडेंट जो मॉर्निंग असेंबली में रहते हैं, आप लोग प्रेयर के बाद जब स्टैंड अप होते हैं उसके पहले आप लोग क्या करते हैं? नेशनल एंथम करते हैं, करते हैं ना नेशनल एंथम। राष्ट्रगान हमारा क्या है? जन गण मन। ओके, जन गण मन हमारा क्या है? नेशनल एंथम है। हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन इज आवर नेशनल एंथम। हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन है। ओके, इट वॉज रिटन बाय रवीन्द्रनाथ टैगोर। इसको किसने लिखा है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, या इसको किसने लिखा है? रवीन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रवीन्द्रनाथ टैगोर। ओके, इसको किसने लिखा है? रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इट इज सॉन्ग ऑन द इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड ऑल इम्पोर्टेंट ओकेजन। ओकेजन मीन्स क्या होता है? अवसर। ओकेजन मीन्स क्या होता है? अवसर। ओके, ओकेजन मीन्स क्या होता है? अवसर। ये जो है इसको कब गाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड ऑल इम्पोर्टेंट, मतलब कुछ महत्वपूर्ण अवसर होता है उसी का हम लोग को क्या गाते हैं? जन गण मन, मतलब नेशनल एंथम को गाते हैं। ऐसे हम लोग नहीं गाते हैं। ओके, ऐसे किसी फेस्टिवल में नहीं गाते हैं जन गण मन, सिर्फ इंडिपेंडेंस डे मतलब 15 अगस्त, और रिपब्लिक डे 26 जनवरी, और कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन होता है कभी कभी, वहां हम लोग क्या गाते हैं? जन गण मन गाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट सिंबल क्या है? नेशनल एंथम हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम अलग होता है, नेशनल सॉन्ग अलग होता है। ओके, नेशनल सॉन्ग भी आप लोग अपने स्कूल में गाते हैं, जब आपका छुट्टी होता है, छुट्टी के 5 मिनट पहले आप लोग नेशनल सॉन्ग अपने स्कूल में गाते हैं। आपके स्कूल में डेली नेशनल सॉन्ग भी होता है, नेशनल एंथम भी होता है। नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है? जो हम लोग गाते हैं, सुजला शुक्ला मलयज शीतला सस्य श्यामला वंदे मातरम, जो होता है सुजला शुक्ला वंदे मातरम, वही हमारा क्या है? नेशनल सॉन्ग है। क्या है हमारा? नेशनल सॉन्ग है। ओके, आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज कम्पोज बाय बकिम चंद चटर्जी। इसको किसके द्वारा बनाया गया? इसको कम्पोज किसने किया है? बकिम चंद चटर्जी ने। इसको किसने किया है? बकिम चंद चटर्जी।
ओके। और इसको किस लैंग्वेज में उन्होंने कंपोज किया है, तो संस्कृत में। किस लैंग्वेज में किया है, संस्कृत में। किस लैंग्वेज में किया है, संस्कृत में, ओके। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम, ओके। और इसको किसने कंपोज किया है, तो बंकिम चंद चटर्जी ने। किसने किया है, बंकिम चंद चटर्जी ने। और इसको किस लैंग्वेज में उन्होंने कंपोज किया है, तो संस्कृत में। किस लैंग्वेज में किया है, संस्कृत में, ओके। इट वॉज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स क्या होता है, प्रेरणा स्रोत। इंस्पिरेशन मीन्स क्या होता है, प्रेरणा स्रोत, ओके। इंस्पिरेशन मीन्स क्या होता है, प्रेरणा स्रोत, ओके। पीपुल इन देयर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है, स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है, स्वतंत्रता, ओके। ये जो है स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत था। यह जो है स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए क्या था, प्रेरणा स्रोत था, इंस्पिरेशन था, ओके। क्या था, स्रोत था, प्रेरणा स्रोत था। इट इज द सिंबल ऑफ आवर यूनिटी। यह हमारे एकता का, यूनिटी मीन्स क्या होता है, एकता। यूनिटी मीन्स क्या होता है, एकता, ओके। यह हमारे एकता का क्या है, प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है, यूनिटी मतलब एकता का प्रतीक है, ओके। किस चीज का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसको आप लोग केयरफुली देखिएगा, ओके। द फर्स्ट टाइम इट वॉज सॉन्ग एट द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1896। इसको सबसे फर्स्ट में पहली बार यह 1896 में भारतीय, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। किसके सत्र में गाया था, नेशनल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके। इंडियन, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके सत्र में गाया गया था इसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। और कब गाया गया था, मतलब कब गाया गया था, तो 1896 में। सबसे फर्स्ट कब गाया गया था, 1896 में, ओके। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दी फर्स्ट टाइम इट वॉज सॉन्ग एट द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1896। पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया था, गाया गया था, ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट सिंबल क्या है, नेशनल सॉन्ग हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया, ओके। उसके बाद नेशनल एंथम हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम मीन्स क्या होता है, राष्ट्रीय प्रतीक, ओके। नेशनल एम्बलम ये भी हमारा क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक। एम्बलम मीन्स क्या होता है, प्रतीक, ओके। आवर नेशनल एम्बलम हैज फोर लायंस फेसिंग दी फोर डायरेक्शन। हमारे नेशनल एम्बलम में फोर लायंस होते हैं। कितने लायंस होते हैं, फोर लायंस होते हैं, ओके। जो हमारे चारों दिशाओं में क्या करते हैं, फेसिंग मतलब चारों दिशाओं में, दिशाओं का क्या करते हैं, सामना करते हैं। चारों दिशाओं का क्या करते हैं, सामना करते हैं। जिसमें हमारे ये नेशनल एम्बलम में फोर लायंस होते हैं। कितने लाइन्स होते हैं, फोर लाइन्स होते हैं, जो चारों दिशाओं में क्या करते हैं, चारों दिशाओं का सामना करते हैं, ओके। हाउ एवर वी कैन सी ओनली थ्री लाइन्स एट ए टाइम। हालांकि हम एक बार में केवल तीन से ही देख सकते हैं। एक बार हम केवल कितने देख सकते हैं, लाइन, थ्री लाइन देख सकते हैं। कैसे, एक लेफ्ट, एक राइट और एक जो आप सामने रहेंगे, आपके सामने दिखेगा। जो पीछे रहता है वो नहीं दिखता, ओके। एक साइड में, अगर उस साइड अगर आप जाएंगे तो उस साइड भी आपको लेफ्ट राइट दिखेगा, और एक आप जो सामने रहेंगे वो सामने दिखेगा। एक बार में हमें केवल तीन से ही इसमें दिखता है, ओके। द बेस ऑफ द एम्बलम हैज धर्म चक्र इन द मिडल। जो ये एम्बलम होता है, इसके बेस में, इसके नीचे में एक धर्म चक्र होता है। देखिए यहाँ पे धर्म चक्र दिख रहा है, यहाँ पे एक धर्म चक्र होता है, ओके। दी वर्ड सत्यमेव जयते आर इंस्क्राइब लो दी रूल। इंस्क्राइब मीन्स क्या होता है, अंकित किया,
ट्राइड मीन्स क्या होता है अंकित किया। ओके सत्यमेव जयते जो शब्द है, सत्यमेव जयते जो शब्द है वो इस व्हील मतलब पहिया के नीचे क्या किया गया है, इसको अंकित किया गया। किसके नीचे किया गया है, जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है उसके नीचे एक पहिया बना हुआ है, एक मतलब अशोक चक्र दिया रहता है उसी के नीचे क्या किया गया है, सत्यमेव जयते शब्द जो है वो इंस्क्राइब किया गया है मतलब अंकित किया गया है। ओके इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेशनल एनिमल, नेशनल एम्ब्लेम पढ़ लिए, नेशनल सॉन्ग पढ़ लिए, नेशनल एंथम पढ़ लिए, नेशनल फ्लैग पढ़ लिए। ओके इसके बाद हमारा क्या है सिंबल, नेशनल एनिमल, एनिमल सब लोग समझते हैं एनिमल, नेशनल एनिमल क्या है हमारा आप लोग को पता है। ओके द रॉयल बंगाल टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है। ओके इट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है शक्ति, स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है शक्ति। ओके स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है शक्ति एंड ब्रेवरी, ब्रेवरी। ओके उसके बाद एंड पावर, उसके बाद एंड पावर, यह हमारा ये जो टाइगर होता है वाइल्ड टाइगर होता है ये शक्ति, ब्रेवरी मतलब बहादुरी और पावर मीन्स बल का वीरता, बल और शक्ति का क्या होता है प्रतीक होता है, किस चीज का प्रतीक होता है वीरता बल और शक्ति का प्रतीक होता है, ब्रेवरी मीन्स वीरता भी होता है ओके और बहादुरी भी होता है, तो ये हमारे बल वीरता और शक्ति का प्रतीक होता है। इसको भी आप लोग क्या करेंगे नोट डाउन जरूर करेंगे, नेशनल एनिमल किस चीज का प्रतीक होता है तो स्ट्रेंथ ब्रेवरी एंड पावर का। ओके इसके बाद हमारा है नेशनल बर्ड, इसके बाद हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे नेशनल बर्ड के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे नेशनल बर्ड, हमारा नेशनल बर्ड क्या है ये भी आप लोग को पता है और आप लोग को याद भी है। नेशनल बर्ड क्या है पिकॉक है, क्या है नेशनल बर्ड पिकॉक है, आवर नेशनल बर्ड इज द पिकॉक, हमारा नेशनल बर्ड क्या है पिकॉक है। द बर्ड हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर आर्ट एंड कल्चर, आर्ट मीन्स क्या होता है कला, आर्ट मीन्स क्या होता है कला एंड कल्चर मीन्स क्या होता है संस्कृति, इस पक्षी का हमारी कला और संस्कृति में क्या है महत्वपूर्ण स्थान है, क्या है महत्वपूर्ण स्थान है किसका पिकॉक का है। ओके इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो सिंबल्स है वो क्या है बर्ड पढ़ लिए हम लोग, एनिमल पढ़ लिए, इसके बाद हमारा होता है फ्लावर, क्या होता है फ्लावर, फ्लावर आप लोग जानते हैं ना नेशनल फ्लावर कौन सा है लोटस, नेशनल फ्लावर कौन सा है हमारा लोटस, लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, जो लोटस है वो हमारा नेशनल फ्लावर है हमारे देश का। ओके इट इज ए सीक्रेट फ्लावर एंड हैज ए स्पेशल प्लेस इन द इंडियन कल्चर, सीक्रेट मीन्स क्या होता है धार्मिक या पवित्र, ओके धार्मिक या पवित्र, यह एक पवित्र फूल है और भारतीय संस्कृति का इसका एक विशेष स्थान है, भारतीय संस्कृति जो है उसमें इसका लोटस का एक विशेष स्थान है और यह एक पवित्र फूल भी है, क्या है यह एक पवित्र फूल भी है और भारतीय संस्कृति मतलब इंडियन कल्चर में इसका एक विशेष स्थान है। ओके इट इज कंसीडर्ड एज एन ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है शुभ, ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है शुभ। ओके यह जो है हमारे इसे एक शुभ प्रतीक के रूप में भी माना जाता है, इसे किस चीज के रूप में माना जाता है एक शुभ प्रतीक के रूप में भी माना जाता है, ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है शुभ होता है, ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है शुभ होता है, तो इसे एक शुभ के रूप में भी माना जाता है, शुभ प्रतीक के रूप में भी माना जाता है, ये ऑस्पिशियस सिंबल भी है मतलब शुभ प्रतीक के रूप में इसको क्या किया जाता है नेशनल फ्लावर लोटस को माना जाता है। ओके इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेशनल फेस्टिवल्स, क्या पढ़ेंगे नेशनल फेस्टिवल्स, ओके फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स, ऐसे तो फेस्टिवल्स बहुत सारे होते हैं होली दिवाली छठ पूजा दुर्गा पूजा ईद दशहरा होता है, लेकिन हमारा जो नेशनल फेस्टिवल्स है वो तीन ही होते हैं, हमारा नेशनल फेस्टिवल कितने होते हैं तीन होते हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, क्या होते हैं इंडिपेंडेंस डे, ओके
रिपब्लिक डे और एक होता है गांधी जयंती। क्या होता है? गांधी जयंती। ओके, जो इंडिपेंडेंस डे है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त को। कब करते हैं? 15 अगस्त को। और रिपब्लिक डे कब करते हैं? 26 जनवरी को। ओके, और गांधी जयंती जो है वो 2 अक्टूबर को। कब करते हैं? 2 अक्टूबर को। इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ओके, ये हमारा नेशनल फेस्टिवल जो है वो 3 ही है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। ओके, कौन कौन सा? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेशनल फेस्टिवल्स के बाद नेक्स्ट हमारा है नेशनल गेम। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? नेशनल गेम। ओके, हमारा जो नेशनल गेम है वो क्या है? तो क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, बट हॉकी इज आवर नेशनल गेम। हालांकि हमारे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा गेम है? क्रिकेट है। कौन सा है? क्रिकेट है। ओके, कौन सा है? क्रिकेट है। लेकिन हमारा जो नेशनल गेम है वो कौन सा है? हॉकी है। कौन सा है? हॉकी। हमारा नेशनल गेम क्या है? क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट हमारे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, मतलब खेला जाता है। ओके, लेकिन हॉकी जो है वो हमारा नेशनल गेम है। हॉकी जो है वो हमारा क्या है? नेशनल गेम है। नेशनल गेम क्या है? हॉकी है। ओके, इंडिया हैज वन 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन हॉकी। गोल्ड मेडल्स मीन्स क्या होता है? स्वर्ण पदक। गोल्ड मेडल्स मीन्स क्या होता है? स्वर्ण पदक। ओके, गोल्ड मेडल्स मीन्स स्वर्ण पदक। इंडिया जो है वो 8 मतलब 8 कितना? 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जो है वो जीता है। कितना ओलंपिक मेडल्स जीता है? 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इंडिया जो है वो हॉकी में क्या किया है? जीता है। किस चीज में जीता है? हॉकी में जीता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे है इंडिया हैज वन 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन हॉकी। जो इंडिया है वो 8 मतलब 8 स्वर्ण पदक जीता है। ओके, इसके बाद है इंडियन करेंसी। इसके बाद क्या है? इंडियन करेंसी। ओके, CURRENCY, इंडियन करेंसी। किसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे? इंडियन करेंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, द इंडियन रुपीज इज आवर नेशनल करेंसी। भारतीय रुपया जो है वो हमारी